तो हेलो भैया, कैसे हैं आप सभी लोग। तो होपफुली आप लोग अच्छे होंगे। तो आज के वीडियो में बात करने वाले हैं HTML पे 10 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले हैं, जो कि आपसे एग्जामिनर नहीं, इंटरव्यूअर आपसे पूछ सकता है। इंटरव्यू में जो मैंने ये क्वेश्चन लिया है वो बेसिकली बेसिक HTML से मैंने पूछा है आप लोगों से। तो आप लोग इसका आंसर मुझे इंस्टाग्राम पर दे सकते हो या फिर इस वीडियो के कमेंट में लिख सकते हो विथ क्वेश्चन। क्वेश्चन को लिखना ना भूलना। वैसे ना लिखोगे तब भी मैं परेशान लूँगा कि ये कौन से क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, तो बात करते हैं पहले क्वेश्चन जो हमारा, व्हाट डज HTML स्टैंड्स फॉर। तो बेसिकली आपको बताना है कि जो HTML होता है वो, उसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो बस यहाँ पे यही बताना है कि उसका फुल फॉर्म क्या होता है। अगर अगला बात करें क्वेश्चन, तो यहाँ पे पूछे जाएगा आप लोगों से कि एक्सप्लेन द पर्पस ऑफ HTML। जब मैं ये जो क्वेश्चन आपसे बता रहा हूँ वो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा जब आप इंटरव्यू देने जाएंगे, और जाएंगे आप फ्रंट एंड डेवलपमेंट के इंटरव्यू में, तब आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, अगर आगे बात करें तो व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ एन HTML एलिमेंट। तो बता रहा है कि जो हमारा HTML का जो एलिमेंट होता है वो, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। ठीक है, ओपन टैग क्लोज टैग के बारे में बताना है। तो यहाँ पे जो फोर्थ क्वेश्चन है वो आपसे तो पूछा जाएगा कि व्हाट आर टैग्स इन HTML। तो टैग्स क्या होते हैं HTML में, वो बताना है आप लोगों को। एंड फिर जो फिफ्थ क्वेश्चन है वो पूछा जाएगा कि डिफरेंशिएट बिटवीन HTML एलिमेंट एंड HTML टैग। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं ये गारंटी के साथ बोलता हूँ कि अगर आप लोग जाओगे एग्ज़ाम में तो ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा ही जाएगा। ठीक है, पूछा जाएगा ही जाएगा पूछा ही जाएगा। ठीक है, अगर फ्रंट एंड में जाओगे तो पूछा जाएगा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपसे पूछा जाएगा कि एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ नेस्टिंग इन HTML। ठीक है, ये आपसे भी पूछा, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, हालांकि पूछा जा सकता है अगर आपका दिन सही ना हो तो। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है व्हाट इज एन HTML एट्रीब्यूट, इसके बारे में पूछा जा सकता है। ठीक है, हालांकि ये जब सारे जो क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, आप लोग प्रिपेयर कर लेना, और मैं जो ये क्वेश्चन आपको दिया हूँ उसको काफ़ी ज़्यादा प्रिपेयर करना आप लोग। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारा HTML एट्रीब्यूट। मतलब देखो, जो एट्रीब्यूट होता है यार, जो हम मान लो टैग लिखेंगे, कोई कोई सा भी टैग लिखे, मान लो हम, मैंने ये लिखा, एंड इसको मैं कंटेंट को पहले डिलीट करता हूँ, और यहाँ पे मान लो अनिश लिखता हूँ। ठीक है, तो जो हम यहाँ पर देते हैं यार ना, उसी को हम एट्रीब्यूट कहते हैं। मान लो मैंने इस का मैंने विड्थ बढ़ा दिया, इसका हाइट भी मैंने डिक्रीज इंक्रीज कर दिया, तो यहाँ पे जो ये हम इसके अंदर जो करेंगे वो एट्रीब्यूट होता है। ठीक है, मैंने बता दिया, आप लोग इसको जानते रहना। एंड डिस्क्राइब द पर्पस ऑफ द HTML डॉक टाइप डिक्लेरेशन। अरे यार, जो हम लिखते हैं यहाँ पे HTML डॉक टाइप में, अगर विजुअल बेसिक को ओपन करूँगा, चलो ओपन कर लेना आप लोग, तो देखोगे जब आप ऊपर, यहाँ पे ऊपर लिखा रहेगा, यहाँ पे नहीं, जब आप उसको ओपन करोगे तो वहाँ पे लिखा रहेगा, साफ सा लिखा कि डॉक टाइप लिखा रहेगा। तो वो बेसिकली क्या होता है ना कि जब आप ब्राउज़र को आप ये बताते हो कि ये जो हमारा डॉक्यूमेंट्स है वो HTML डॉक्यूमेंट्स है। ठीक है, एंड व्हाट इज़ द HTML लैंग, व्हाट इज़ द HTML लैंग एट्रीब्यूट यूज फॉर, ये मुझे नहीं पता, जल्दी बताओ मुझे कमेंट में करके। ठीक, कमेंट करो, बताओ जल्दी। एंड जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू यू क्रिएट अ कमेंट इन HTML। तो कमेंट हम कैसे करते हैं HTML में, इसके बारे में आपको पूछा जा सकता है, बेसिक पूछा जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये 10 क्वेश्चन है जो बेसिक है आपसे पूछा जा सकता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आगे आने वाले और वीडियो में बताएंगे और क्वेश्चन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों।